सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं और सर्दियों में हरे भरे आंवला हर जगह देखने को मिलते हैं और ये काफी सस्ते और किफायती भी मिलते हैं, तो क्यों ना इस रेसिपी का फायदा उठाया जाए बना के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंवला की बेहतरीन सी रेसिपी। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो आंवला ले लिया है। आपको इसे अच्छे से वॉश करके सुखा लेना है, उसके बाद आपको इस रेसिपी में यूज करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ग्रेटर ले लेना है इस तरह का। अगर आपके पास ऐसा ग्रेटर ना हो तो आप इसे मिक्सी में भी डालकर ग्राइंड कर सकते हैं। हमें इसे ग्रेट करना है तो आपको हल्का हल्का सा इसे जब घिसेंगे तो ये अच्छे से बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा। बस आपको इसी तरह से इसको लगातार चलाते हुए ग्रेट कर लेना है। फ्रेंड्स, इस रेसिपी में आपको जब ग्रेट करेंगे तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन अगर आप एक बार इस रेसिपी को बना के रखेंगे तो आप सालों साल इसे बिना रेफ्रिजरेटर के रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और ये आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद और किफायती रेमेडी है। तो फ्रेंड्स, एक बार आंवले को इस तरह से इस्तेमाल करके देखें, आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो देखिए, एक एक करके हम सारे आंवला को इसी तरह से ग्रेट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज हमेशा की तरह मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तो देखिए, हम इसे ग्रेट करके जिसको इसके सीड्स है ना वो अलग निकाल के रख देंगे। आप सीड्स को भी यूज कर सकते हैं, आगे मैं बताऊंगी किस तरह आप सीड्स को यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से मैंने सारे आंवला को ग्रेट कर लिया है। लास्ट में एक आंवला बचा, इसे मैं इसी तरह से ग्रेट कर लेती हूँ। आप चाहें तो इसे इससे भी मोटा ग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बहुत बारीक ग्रेट कर रही हूँ। अगर आपके पास चौड़ा वाला ग्रेटर हो जिसमें काफी सारे आपको मिल जाते हैं साइज के, तो आप इससे थोड़ा सा थिक भी इसे ग्रेट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने सारे के सारे आंवला को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। इसे ग्रेट करने में हमें 5 मिनट का टाइम आराम से लग गया है। आप चाहें तो इस आंवला को सुखा भी सकते हैं और सुखाने के बाद मिक्सी में ग्राइंड करें और ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लें, जो आप सालों रख सकते हैं। बाहर से जब आप पाउडर लेते हैं तो वो बहुत महंगा मिलता है, लेकिन आप इस तरह से अगर आप इसको सुखाते हैं और सुखा के इसका पाउडर बनाते हैं तो बहुत ही कम दाम में आप आंवले का पाउडर भी बना सकते हैं। तो देखिए, सारा आंवला हमने ग्रेट कर लिया है, तो एक प्लेट पर मैंने निकाल लिया है। बचा हुआ आंवला यहाँ पर हम दूसरी प्लेट पर निकाल लेंगे इस तरह से, और आप देख सकते हैं कितना ग्रीन ग्रीन है। ऐसे ही फ्रेश आपको आंवला लेना है इस रेसिपी के लिए। बचे हुए सीड्स का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इसे सुखा सकते हैं। सुखा के आप इसे मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं और इजीली पानी में इंक्लूड करके आप यूज कर सकते हैं, चाहे तो पी ले या फिर आप इसे हेयर में भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पर ले लिया है गुड़। तो ये जो हम रेसिपी बना रहे हैं गुड़ के साथ बना रहे हैं। आप चाहे तो चीनी ले सकते हैं, लेकिन इसका हेल्दी वर्जन हम बना रहे हैं तो इसके लिए हमें गुड़ चाहिए होगा, जो सर्दियों में बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। तो आपको आंवले को ग्रेट करने के बाद किसी कप से ही नापना है। तो मैंने यहाँ पर एक कप आंवला लिया, उसके साथ दूसरा कप भी इसी में ऐड कर दिया है। आप जब इसे नाप के लेते हैं तो गुड़ की क्वांटिटी भी आप इसी के हिसाब से लेंगे, इसलिए आप किसी भी कप को सेट कर लें इसे नापने के लिए। इसके साथ ही मैं इसमें 2 कार्डमम डाल रही हूँ, यानी कि हरी इलायची। आप इसे क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं। मैंने सिंपली इसे इसमें डाल के गैस पर रख दिया है। अब गैस पर रखने के बाद आपको क्या करना है, हल्का सा इसे सोटे करना है। इसके जो कच्चियापन होता है ना वो निकल जाएगा, इसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहेगा। और अच्छे से जब आप इसे सोटे करेंगे, आप इस स्टेज पर यहाँ पर थोड़ा घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने घी नहीं डाला है। सिंपली मैं इसे 2 मिनट तक इसी तरह से हल्का सा सॉटे कर लूंगी। जब ये अच्छा सा सॉटे हो जाएगा, आप देखेंगे पानी इसमें काफी कम हो जाएगा, तब तक आपको इसे सॉटे कर लेना है। तो अब देखिए, 2 मिनट का टाइम हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गुड़। तो यहाँ पर मैंने 1 कप गुड़ ऐड किया था, जिसकी क्लिप मिस हो गई है। आधा कप गुड़ और ऐड कर रही हूँ, तो टोटली इस रेसिपी में मैंने 1.5 कप गुड़ और 2 कप आंवला लिया है। अब देखिए, गुड़ को मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। यहाँ पर आप चाहें तो जैगरी पाउडर यानी कि गुड़ का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपली गुड़ लिया है। ये नया गुड़ है, इससे इस रेसिपी का कलर बहुत अच्छा आएगा। तो गुड़ ऐड करने के बाद आप इसे हल्का सा स्पैचुला से क्रश करने की कोशिश करें, इससे बहुत ही जल्दी से गुड़ जो है ना मेल्ट हो जाएगा। 2 मिनट तक पकने के बाद हम इसे कवर कर देंगे, और कवर कर हम इसे गुड़ के साथ अच्छे से 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट बाद जब आप इसकी लिड खोलेंगे तो आप देखेंगे आंवला जो है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका होगा गुड़ के साथ, और इसका कलर और टेक्सचर भी बहुत अच्छा सा आएगा। जैसे कि हनी की टेक्सचर होता है ना, बस आपको वैसा ही शहद जैसा टेक्सचर इसका लेकर आना है। तो देखिए, अब हम इसे फिर से भुना शुरू करेंगे, और इसकी जो खुशबू है ना फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छी आ रही है। आप इस रेसिपी को जरूर बनाएं, आप इससे डेली 1 चम्मच लें, आपके लिए बहुत ही
ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके बालों के लिए और आपकी स्किन के लिए, स्किन को काफी चमकदार कर देती है ये रेमेडी। तो फ्रेंड्स, बच्चों को अगर आपको देना है तो आप इससे आधा चम्मच उनको डेली दें, और अगर आप अपने लिए ले रहे हैं तो एक चम्मच आप डेली लें। तो मैं थोड़ा सा चेक कर रही हूँ, खाके तो आंवला यहाँ पर अच्छे से गल चुका है। जैसे आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस सिटी से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मुझे कॉमेंट में जरूर मैंशन करें। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से गुड़ के साथ आंवला पक रहा है, हमें इससे थोड़ा सा और पकाएंगे जिससे ये बिल्कुल से सेट हो जाएगा। आप देखेंगे एक जगह पर ये इकट्ठा होना शुरू हो गया है। आप इसके टेस्ट को और भी ज्यादा इन्हांस करने के लिए कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सबसे पहले ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इसमें, खट्टा मीठा तीखा। उसके बाद थोड़ा सा काला नमक ऐड कर रही हूँ इसमें, आप चाहें तो भुने हुए जीरे का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन नहीं डाल रहे हैं। थोड़े से यहाँ पर नट्स के तौर पर मैं यहाँ पे चॉप किए हुए बादाम ऐड कर रही हूँ इसमें। जब हम बादाम ऐड करते हैं ना, तो विंटर्स में बादाम की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, तो बहुत ही अच्छा सा इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बनता है। तो मैंने यहाँ पर बादाम ऐड करने के बाद गैस को बंद कर दिया है, और तैयार है हमारी ये गुड़ और आंवले की नई सी रेमेडी। आप इससे आंवले का जैम नहीं कह सकते, लेकिन जो भी है ये बहुत टेस्टी बनती है। आप इससे किसी कांच के कंटेनर में स्टोर करके रखें और सालों साल इसका लाभ उठाएं। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह के कांच के कंटेनर को धो के अच्छे से वॉश करें, उसके बाद पोंछ के सुखा लें। बिल्कुल सूखा होना चाहिए, जरा भी अभी पानी नहीं होना चाहिए, अगर पानी होता है तो आपकी रेमेडी खराब हो सकती है। तो देखिए तैयार है हमारी जबरदस्त सी आंवले की रेसिपी। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।